हेलो एवरीवन, माइसेल्फ नेहा सक्सेना। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम चर्चा करेंगे कि गृह विज्ञान में कैरियर के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और आप कक्षा 12 के बाद में या कक्षा 11 में गृह विज्ञान विषय का चुनाव क्यों करें, ताकि भविष्य में जाकर के आप अपना एक उज्जवल कैरियर सेट कर सकें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जितने मैं वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जब हम गृह विज्ञान की बात करते हैं तो गृह विज्ञान को अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इंडिया में एंड इंग्लैंड में दोनों ही जगह पर इसको गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। गृह विज्ञान विषय एक प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये कला और विज्ञान का संयोजन होता है। इसके अंदर कला भी होती है और विज्ञान भी होती है, और दोनों को कॉम्बिनेशन से बना है हमारा गृह विज्ञान। ठीक है, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको डिस्क्रिप्टिव और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाने का काम करता है। गृह विज्ञान के 5 विभाग होते हैं। फर्स्ट है हमारा वस्त्र एवं परिधान, सेकंड वन आहार एवं पोषण, थर्ड हमारा है प्रचार एवं प्रसार शिक्षा, चौथा हमारा मानव संसाधन एवं प्रबंधन, और पांचवा हमारा मानव विकास। इस प्रकार से गृह विज्ञान के 5 विभाग होते हैं, 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इन सभी में ज्ञान प्राप्त करके जो व्यक्ति होता है बेसिकली वो अपना कैरियर बहुत अच्छे से सेट कर सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन वस्त्र एवं परिधान से। तो बच्चों, वस्त्र एवं परिधान की जब हम बात करते हैं, इसका आप अगर इसमें बीएससी करते हैं या बीए आपने होम साइंस में सिलेक्शन किया है तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, है ना, या आप अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, या आप जो टेक्सटाइल की कंपनीज होती है वहाँ पर भी एज ए वर्कर काम कर सकते हैं, आप फाइबर जो फॉर्मेशन होता है या फैब्रिक फॉर्मेशन होता है उनका डिप्लोमा कर सकते हैं, रंगाई छपाई का काम भी कर सकते हैं, है ना, और रंगाई छपाई की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनमें भी आप अपना बहुत अच्छा स्किल डेवलप करके भविष्य में जाकर के अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर होते हैं या ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं उन सभी को भी आप अपना एज ए कैरियर बना सकते हैं, अगर आप वस्त्र एवं परिधान जो सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आहार एवं पोषण। ठीक है, अगर आपने अगर बीए की बात करते हैं तो एज ए नॉर्मल सब्जेक्ट आता है ये, इसमें बीएससी होम साइंस का भी आप चुनाव कर सकते हैं और एमएससी कर सकते हैं आप इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत, जिसका ज्ञान प्राप्त करके आप माइक्रोबायोलॉजी में अपना कैरियर सेट कर सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री में एज ए प्रोफेसर, है ना, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर अपन इसके फील्ड्स के अंतर्गत काम कर सकते हैं एज ए डाइट काउंसलर कहते हैं, या डाइटिशियन के रूप में भी, जो डाइटिशियंस होती हैं जो डाइट प्रिस्क्राइब करती हैं उनके रूप में भी आप अपना काम अपना कैरियर सेट कर सकते हैं, काम सेट कर सकते हैं और भविष्य में बहुत अच्छी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो प्रचार एवं प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आप अपना बेसिकली प्रसार कार्यकर्ता, एक सेविका, समाज सेविका, है ना, या एज ए फूड इंस्पेक्टर, है ना, या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मार्गदर्शन करता या कम्युनिटी के जो मैनेजर होते हैं उस रूप में आप अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का ज्ञान प्राप्त करके आप एज ए साइकोलॉजिस्ट एज ए वर्क कर सकते हैं, आप एज ए काउंसलर चाइल्ड डेवलपमेंट के जो होते हैं काउंसलिंग करने वाले उस रूप में भी काम कर सकते हैं या अपना कैरियर सेट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे चाइल्ड के काउंसलर बन सकते हैं, ह्यूमन के काउंसलर बन सकते हैं, कैरियर के जो काउंसलिंग करते हैं वो भी आप अपना चुनाव कर सकते हैं, आंगनवाड़ी में काम कर सकते हैं, बालवाड़ी में काम कर सकते हैं आप,
या फिर स्वास्थ्य केंद्रों पे भी अपना कार्य सेट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान प्राप्त करके आपको विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में, पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप अपना इस तरीके से कैरियर सेट कर सकते हैं। तो गृह विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर गृह प्रबंधन एक सब्जेक्ट होता है जिसे अपन कहते हैं होम मैनेजमेंट, है ना। होम मैनेजमेंट का ज्ञान प्राप्त करके आप बेसिकली अपना बहुत अच्छा कैरियर सेट कर सकते हैं। आजकल देखा है आपने, पार्टी प्लानर होते हैं, वेडिंग प्लानर होते हैं, या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज़र होते हैं, है ना, छोटी मोटी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो, या इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सभी का ज्ञान आप होम साइंस के होम मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर बेसिकली करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके आप उसमें अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, फ्लोरिस्ट कह सकते हैं अपन, फ्लोर डेकोरेटर, है ना, या फिर वॉल डेकोरेशन का आप जो आजकल चल रही है उन सभी तकनीकों में भी अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो आपके सामने रखा है कि आप किन किन फील्ड्स में अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। जो गृह विज्ञान विषय है वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है, और लड़कियों के लिए तो ये बहुत अच्छा विषय होता है। कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें या अपन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, सभी में गृह विज्ञान विषय बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आप इसका ज़रूर सिलेक्शन कर सकते हैं अपने कैरियर को बेनिफिट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। चल, टेक केयर।